मैरवा पुलिस की बर्बरता, एक परिवार को लात घूसों और बंदूक की बुट से मारा, यहाँ तक कि छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मैरवा पुलिस की मनमानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनता नाराज है, क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। अब लोग करेंगे थाने का घेराव। सुनिए उन्हीं की जुबानी मैरवा की कहानी। गाड़ी को रोक करके उसको शीशा तोड़ना और उसमें बैठे हुए जो यात्री उसमें लोग थे उसको निकाल कर पुलिस द्वारा लात जूता और अपने राइफल की गुंडों से मारना सबसे शर्म की बात है। साल के बच्चों के साथ, 7 साल की उस गाड़ी में एक बच्चा है, उस बच्चे को जब मैरवा प्रशासन नहीं छोड़ रही है, आप सोच सकते हैं कि मैरवा के थाना प्रभारी के द्वारा और मैरवा के स्टाफ के द्वारा आम जनता से क्या व्यवहार किया जा रहा है। हम मैरवा में यहाँ जो राजेंद्र पार्क है, तमाम लोगों ने यहाँ जुटे थे, हम लोग को सूचना हुआ, हम लोग आए यहाँ, लोगों से जब बात हुई तो मैरवा के थाना प्रभारी के प्रति पूरे मैरवा में इतने गुस्सा है जिसको कहने लायक नहीं है, क्योंकि मैरवा के तमाम थाना स्टाफ और मैरवा के थाना प्रभारी द्वारा रोज शाम को दारू पिया जाता है, और शाम को दारू पी करके पूरे मैरवा में गुंडई किया जा रहा है। इसको मैरवा के तमाम जनता बर्दाश्त नहीं करे। हम लोग तमाम लोग मैरवा के लोगों ने थाना को घेरने का काम किया। तब मैरवा के इंस्पेक्टर ने सामने आए और कहे था कि हम माफी मांगते हैं और चाबी देने का कष्ट करते हैं, हम ड्राइवर और स्टाफ को हम उन लोगों से पूछताछ करते उन लोगों को मैंने यहाँ से विदाई का काम करेंगे। हमारा पत्र है भाजपा हमारे ब्लॉक कमेटी मेंबर, मेरा नाम है जोगिंदर सिंह कुशवाहा और बड़गांव मुखिया पति गलती किया जा रहा है। इसके लिए मैरवा के लोगों को एक बार तैयार होना होगा, क्योंकि इसको जवाब देने के लिए सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।